मेरा नाम है निसार अहमद, जो आप मेरे पीछे बीयर्ड देखे, फायर एमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स है। डेलिब्रेटली 2020 में हमें इस लिस्ट से बाहर किया गया है। उन लड़कों को अपॉइंट किया गया जिन लड़कों ने फार्म ही नहीं भरे हैं। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर गवर्नर साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो कमेटी को जो टाइम पीरियड दिया गया वो 1 महीना दिया गया, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता है कि अभी तक न रिपोर्ट है, न कुछ कमेटी का पता है, न कुछ। हम यही चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब 2013 में यह लिस्ट स्क्रैप हुआ है और 2018 में भी यह लिस्ट स्क्रैप हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से यह लिस्ट स्क्रैप हुआ, उस वक्त उन चोरों को, उन दलालों को छोड़ दिया गया। आज ये दिन हमें देखने को पड़ते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, गवर्नर साहब मेहरबानी कीजिए, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं, मेहरबानी कीजिए, गरीबों के साथ इंसाफ कीजिए, मजलूमों के साथ इंसाफ कीजिए। गवर्नर साहब ने रिसेंटली कल एक भाषण जम्मू में दिया, उसने कहा जिस रिक्रूटमेंट में थोड़ा भी बहुत धांधली हो गई है, हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करो, हम उस लिस्ट को स्क्रैप करेंगे। लेकिन 2013 से लेकर 2022 तक हमारा टाइम वेस्ट किया है खुद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और फायर सर्विस डिपार्टमेंट वालों ने। उन लड़कों को भर्ती किया गया है, रोना आता है, अनफॉर्चुनेट कहना पड़ता है, उन लड़कों को भर्ती किया फायर एंड एमरजेंसी में जिन लड़कों ने फार्म ही नहीं लगाया है। आज में एलजी को हाथ जोड़ के मौत बना गुजारिश कर दिया कि मेहरबानी कीजिए, आप हमें इंसाफ दीजिए, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं, मेहरबानी बनाई करें, वी वॉन्ट ओनली जस्टिस।